तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कंप्रेसर का प्रेशर चेक करना कि कंप्रेसर का प्रेशर सही है या ख़राब है। ये देखिए हमारे पास दो कंप्रेसर हैं, इन दोनों कंप्रेसरों को बारी बारी से चेक करेंगे इनके प्रेशर को कि इसमें से कौन से कंप्रेसर का प्रेशर सही है और कौन से कंप्रेसर का प्रेशर ख़राब है। ये प्रैक्टिकली सीखने वाले हम लोग हैं। मैं आपको बता दूँ कि पीछे वाली वीडियो में हम लोग थ्योरिकली ये सीखे थे कि किस तरीके से कंप्रेसर के प्रेशर को चेक किया जाता है, और आज प्रैक्टिकली हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से कंप्रेसर के प्रेशर को चेक किया जाता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास कंपाउंड गेज है, तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल में दोस्तों हमारे पास प्रेशर गेज नहीं था, इसके वजह से हम लोग मैनिफोल्ड गेज का यूज करेंगे इसके कंप्रेसर के प्रेशर को चेक करने के लिए, क्योंकि प्रेशर गेज से ही आप कंप्रेसर के प्रेशर को चेक कर सकते हैं, कंपाउंड गेज से आप कंप्रेसर के प्रेशर को चेक नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे चेक करना है, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे हम लोग थ्योरिकली सीखे थे सेम उसी तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिकली भी होने वाला है, लेकिन यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सुई कितना तेज़ी से नीचे जा रही है तो ख़राब है, और कितना तेज़ी से जाएगी तो ख़राब नहीं है कंप्रेसर का प्रेशर। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले कंप्रेसर का प्रेशर चेक करते हैं यहाँ पे, और ये जो तरीका दोस्तों, यही तरीका जो है ये हर एक कंप्रेसर को चेक करने के लिए, चाहे एसी का हो, फ्रिज का हो, रेफ्रिजर का, वाटर कूलर का, किसी का भी हो, तो वो सब का आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कंप्रेसर को स्टार्ट कर रहे हैं, पहले सप्लाई में लगा रहे हैं इसके लीड को। अब यहाँ पे हमारा कंप्रेसर दोस्तों स्टार्ट हो चुका है, हमारे डिस्चार्ज लाइन से ये हवा को फेंक रहा है, और हम सबसे पहले इस गेज के जो हैंडल गेज का है इसको हमने बंद कर दिया है, मतलब गेज के हैंडल को बंद कर दिया है, और नीचे वाले पॉइंट पर मतलब प्रेशर गेज के इनपुट लाइन पर हमने लाइन को जोड़ दिया। और यहाँ पर देखिए लाइन जोड़ते ही ये प्रेशर तेज़ी से ऊपर जाना शुरू हो गया। तो अगर 400 450 PSI पे चला जाता है दोस्तों, तो मतलब इसका प्रेशर 50% सही मानेंगे। देखिए अब यहीं पे देखिए दोस्तों, ये 450 तक पहुंचने वाला, लेकिन दोस्तों यहीं पे रुक के आप देखिए रिटर्न जाने लगी है सुई, मतलब इसके ऊपर नहीं चढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कुछ कंप्रेसर का प्रेशर डाउन है क्या, अभी क्लियर नहीं समझेंगे। अब देखिए निकाले, अब क्लियर हो जाएगा एकदम। देखिए ये प्रेशर कितना तेज़ी से ये ऊपर नीचे की तरफ आ रही है, हमारी सुई बहुत ही तेज़ी से नीचे की तरफ सुई आ रही है, तो इसका मतलब दोस्तों इस कंप्रेसर का प्रेशर डाउन है। अगर ये एकदम धीरे धीरे दोस्तों आती तो इसका मतलब कंप्रेसर का प्रेशर सही रहता, लेकिन ये तेज़ी से देखिए नीचे आ रही है, डाउन हो रही है सुई, तो इसका मतलब है दोस्तों कि इस कंप्रेसर का प्रेशर सही नहीं है। तो अगर इसको आप फ्रिज में लगाते हैं तो यहाँ पर कूलिंग कम होने वाली है, क्योंकि ये कंप्रेसर का प्रेशर डाउन बता रहा है गेज हमारा। यहाँ पर देखिए बैक साइड से ये फेंक रहा था, मतलब धीरे धीरे बाहर निकल रही थी हवा, तो इस कंप्रेसर का प्रेशर दोस्तों डाउन है। अगर लगाते हैं तो कूलिंग तो करेगा दोस्तों, बर्फ़ भी कुछ जमाएगा, लेकिन भरपूर कूलिंग नहीं मिल पाएगी क्योंकि कंप्रेसर का प्रेशर कुछ डाउन हो चुका है। तो चलिए ये वाला तो क्लियर हो गया, आपने देखा सही से। अब दूसरे वाले कंप्रेसर का प्रेशर चेक करते हैं कि इसकी क्या हाल है, इसका भी कंप्रेसर का प्रेशर डाउन है या फिर सही है। तो थ्योरिकली दोस्तों मैंने बताया वहाँ पे एकदम डिटेल में, अगर उसको नहीं देखे हैं आप लोग तो मैं इसके नीचे थ्योरिकली वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको 100% क्लियर हो जाएगा एकदम कि हाँ किस तरीके से कंप्रेसर के प्रेशर को चेक किया जाता है। तो अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कैप को खोल लेते हैं, इसका जो हमने डिस्चार्ज लाइन सक्शन लाइन पर कैप लगा दी ताकि इसमें कोई कचरा वगैरह ना जाए। तो अब इसको भी स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे भी हम लोग गेज को लगाएंगे। याद रहे कि गेज का हैंडल बंद ही रहेगा, खुला नहीं रहेगा, वरना दूसरे लाइन से एयर बाहर निकलने लगेगी। तो यहाँ पे आपको 400 से 450 PSI पे ही चेक करना है, ज़्यादा ऊपर ले जाने से क्या, कभी 500 से भी ऊपर चला जाएगा तो आपका कांटा ख़राब हो जाएगा, मतलब गेज ख़राब हो जाएगा। तो हमारा डिस्चार्ज लाइन से देखिए यहाँ पर एयर निकल रही है, और इसी डिस्चार्ज लाइन पर लगाएँगे दोबारा से। ये देखिए बहुत तेज़ी से, देखिए ये उससे भी तेज़ी से ये सुई जो है ऊपर जा रही है हमारी, और ये लगभग 450 PSI 500 तक पहुंचने वाले, हमने बंद कर दिया इसको। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने कंप्रेसर को बंद कर दिया है और यहाँ पे हमारी जो सुई है बहुत धीरे 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 डाउन हो रही है, तो इसका मतलब है कि इस कंप्रेसर का प्रेशर 100% सही है, एकदम सही है इस कंप्रेसर का प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे सुई बहुत तेज़ी से डाउन नहीं हो रही है, धीरे 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 ये डाउन हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा दूसरा वाला कंप्रेसर है इसका प्रेशर 100% सही है। अगर इसको हम लोग सिस्टम में लगाते हैं तो ये परफेक्ट तरीके से कूलिंग करेगा, अच्छी तरीके से आइस भी जमाएगा। देखिए इतना टाइम हो गया, लगभग 30-40 सेकेंड हो गया, लेकिन अभी भी ये सुई धीरे धीरे डाउन हो रही है, अभी उसी के आज जहाँ तक गई थी उसे थोड़ा सा पीछे आई है अभी।
देखिए एकदम स्लोली स्लोली ये नीचे आ रही है, मतलब डाउन हो रही है। तो अगर ये बहुत तेज़ी से डाउन होता दोस्तों, तो इसका मतलब रहता कि हाँ हमारे कंप्रेसर का प्रेशर डाउन है। अगर ये धीरे 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 डाउन हो रहा है, इसका मतलब कि हमारे कंप्रेसर का प्रेशर सही है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोग अपने कंप्रेसर के प्रेशर को चेक करते हैं। और कुछ लोग दोस्तों इसके कंप्रेसर के सक्शन लाइन पे कंपाउंड गेज को लगा के ये चेक करते हैं कि हाँ ये पीछे से खींच रहा है कि नहीं, -30 तक आ रहा है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूँ, इस तरीके से अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर कंप्रेसर का प्रेशर डाउन भी दोस्तों रहेगा ना, तो भी ये -30 तक सुई चली आती है सक्शन लाइन के ज़रिए से। तो वहाँ पे एकदम 100% क्लियर नहीं हो पाता है, इसलिए आप हमेशा सिर्फ डिस्चार्ज लाइन से चेक करें। और बंद करने के बाद पहले चला के चेक करें 450 तक जाता है कि नहीं जाता है। चला जाता है तो फिर बंद करके चेक करिए कि हाँ ये धीरे धीरे सुई डाउन हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर धीरे धीरे डाउन हो रही है इसका मतलब ये कंप्रेसर का प्रेशर सही है, बहुत तेज़ी से होती है तो कंप्रेसर का प्रेशर ख़राब है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी कंप्रेसर के प्रेशर को चेक कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।